अभी आई हूँ और मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारी जो लेडीज है बैक स्टेज बहुत एक्साइटेड है एंड इट्स नॉट जस्ट मिस इट्स मिसेस एज वेल सो इट्स अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट टू वुमेन हु आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू नो बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं कि मिस इंडिया इज ऑलवेज सपोज टू बी सुपर परफेक्ट एंड यू नो हैव द बेस्ट बेस्ट ऑफ एवरीथिंग बट यू नो वुमेन आर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेप साइज एंड फॉर्म्स एंड आई फील लाइक इट्स नाइस दैट दे सेलिब्रेटिंग ऑल दीस मैं बहुत टू आई एम वेरी ग्रेटफुल और अवार्ड्स जो होते हैं एक्टर्स के लिए एक मोटिवेशन होते हैं आपको और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं और यू फील सो हैप्पी यू नो वर्ड्स कांट डिस्क्राइब बट यू फील सो हैप्पी आफ्टर गेटिंग एन अवार्ड जी आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ यू कैन बी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन विन एनीथिंग इन लाइफ जस्ट It just teaches you to win anything in life and I congratulate all the people who are participating in that. My upcoming web series is Geesha which is going to release opposite Aman Verma and Tarun Khanna and apart from that I'm doing some film in South mostly very soon next month or something like that. बहुत इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग और बहुत अच्छा लगा पूरी टीम बहुत अच्छी है बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां हैं सबसे मिलना था मुझे तो मैं स्पेशली दिल्ली से आई हूं बिकॉज मैं ये इवेंट मिस नहीं करना चाहती थी तो यस थैंक यू सो मच खास बात कि ब्लिसफुल इंडिया के लिए इतना सुंदर चेहरा हमको चाहिए था एंड जसलीन जी वॉज देयर एंड वी आर वेरी हैप्पी टू ऑनर जसलीन जी थैंक यू सो मच जसलीन जी मुझे अभी पता चला है कि अनूप जी भी अभी यहाँ पे अटेंड करके गए हैं और मैं एक्चुअली साथ में मैंने अनूप जी से कहा भी था कि हम साथ में ही चलेंगे बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज मैं दिल्ली से आ रही थी तो अनूप जी तो बताया नहीं होगा बट मैं ही बता देती हूँ सबको कि वो मेरी स्टूडेंट है जो MX प्लेयर पे है आपने सबने देखी है और आप सबको बहुत पसंद आई है मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं पीपल लव्ड इट अब इतने अच्छे रिस्पांस के बाद हम वी आर डूइंग अनदर फिल्म टुगेदर मैं और अनूप जी दोबारा आपके सामने आएंगे एक अलग प्रोजेक्ट में और अलग ढंग में तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ब्लिसफुल इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इनकी काफ़ी चैरिटी कॉजेज हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है आज हमारे देश में इंडिया में एक ऐसा टाइम हो गया जहाँ हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते और डॉक्टर सुष्माचार्य जी जो हैं जो ब्लिसफुल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बच्चे के लिए कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के लिए हमारे देश के लोगों के लिए सो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम बहुत खुशी का दिन है इतना प्यारा अवार्ड मिला है एंड आई रियली फील ऑनर्ड कि ब्लिसफुल इंडिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है एंड इट इज़ स्पेशल डे फॉर मी एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस एक्टर्स थैंक यू सो मच आज की शाम बहुत शानदार थी ब्यूटीफुल फेसेस थे और सच बताऊं क्योंकि अधिकतर हमें सीरियल एक्टर और थिएटर एक्टर्स को अलग टाइप के अवार्ड्स का एक्सपीरियंस होता है अवार्ड फंक्शन हमारे आपने देखे होंगे स्टार प्रतिवार या जी अवार्ड या कलर्स अवार्ड वो सब अवार्ड्स से और वो सारे फंक्शन से यहाँ पे बहुत ही अलग माहौल है मज़ा आ रहा है बहुत सुंदर चेहरे हैं सबके कॉन्फिडेंस एंड वॉक्स एंड अपने सबके अपने अपने थॉट्स हर एक बंदा यूनिक होता है और हम सबकी यूनिकनेस देखने को मिल रही है तो मज़ा आ रहा है एंजॉय कर रही हूँ शूट से सीधा आई थी तो थोड़ा हैक्टिक हो गया बट यह वहाँ बैठ के मज़ा आएगी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश ये 2 सालों में जो कोरोना के पैंडमिक से जूझ रहा था तो आज़ादी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आज़ादी हमें हार्म करे तो यही कहूँगी कि कल का इंडिपेंडेंट डे हमारे लिए सही मायनों में आज़ादी लाए सही मायनों में हमें जो 2 साल से चीज़ें रुक गई थी उन चीज़ों से हमें आज़ादी मिले स्कूल चालू हो बाकी की जिंदगियाँ चालू हो बोलते हैं ना एक रोलिंग चालू होना बहुत ज़रूरी है तो बस जल्दी से वो चालू हो जाए आई एम वेरी ग्रेटफुल थैंकफुल टू ब्लिस इंडिया
सर फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड एंड इट्स रियली नाइस एंड द इवेंट द वे दे आर हैंडलिंग द इवेंट एंड दे प्रेजेंटेड द इवेंट इज लुकिंग अमेजिंग वेरी क्लासी रियली हैप्पी टू बी हियर. She is doing a great job here, means in this Mr. Miss and Mrs. Blissful India. Blissful India, yeah. Miss and Mrs. Blissful India, जो है and she said like मैं यहाँ पे कुछ मतलब अंदर से कुछ decide नहीं करूँगी. Whoever deserve it will be in it and that is a great you know motive and notion I can say. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो जो deserve करते हैं award से और उनको ही crown मिलना चाहिए. फर्स्ट सीजन है एंड मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड होपफुली ऐसे ही लोग सीजन करते रहे एंड कामयाबी की सीढ़ियां चलते रहे. जसलीन नहीं हर्षी है. मैं ज्यादा वार्ड कर अनूप जी पायल दिए पायल किधर है अनूप सर इधर. हाँ भाई बहुत अनूप जी कैसा रहा आज का अरे ये देखिए साथ का एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ उसे भी जानना चाहेंगे. हाय एक ये गोल्डन लेडी है और एक हमारे साथ खड़ी है गोल्डन लेडी. अर्षी जी अगर आप बता सकें कैसा रहा एक्सपीरियंस आज के बहुत अच्छा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा सबके साथ आप दोनों जो बातें कर रहे थे उनको एक दूसरे में बहुत मजा ले रहे थे. अनूप जी अगर आप बता सकें देखिए ऐसा है कि इस तरह हम लोग सब एक दूसरे को मिल लेते हैं. ये अवार्ड फंक्शन एक बहाना होता है. अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है. हम लोग की हिम्मत बढ़ जाती है अपने काम को करने में. लेकिन मज़ा ये आता है कि सब लोग मिल जाते हैं. नहीं तो सब इतने बिजी हैं घूम फिर रहे हैं मौज कर रहे हैं. अभी लॉकडाउन वाला मामला भी जरा हल्का हो गया है तो सब लोग घूम फिर रहे हैं शुरू हो गए हैं. हम भी खूब घूम रहे हैं. परसों हम लखनऊ जा रहे हैं फिर वाराणसी जा रहे हैं फिर लंदन जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं. तो यहाँ पर सब लोग मिल गए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है. हर्षी को कभी हम इतना ज़्यादा मिले नहीं थे जितना आज मिले. और आज तो मतलब एक गोल्डन ही गोल्डन है पूरी. इनको एक अब गोल्ड का फूल भी मिला है. मुझे तो दिखाइए ना ये जी क्या आप कोई सॉन्ग करेंगे हर्षी जी ये तो अपने काम में रहता है. सोने जैसा रंग है तेरा जरा चेंज कर दिया मैंने चांदी के जैसा नहीं. एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा. ओहो क्या बात है मुझे शर्म नहीं आ रही है. चलो कुछ बोलो ना आपकी मैं कहना चाहूंगी कि शेख साहिब का ईमान बिक ही गया उसने बिखर ही गया आज से पहले ये कि तेरे मगरूर के कई बार साई मजा आ गया. क्या बात है अच्छा लगता है वाकई. किसको अच्छा नहीं लगेगा कि जब मिस्टर को मिस और मिसेस के हाथों से अवार्ड मिलेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है. और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आज मेरे इस अवार्ड का जश्न हमारे दुश्मन पाकिस्तान में मनाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में आज इंडिपेंडेंस डे है. और मैं घर जब जाऊँगा ले जाके तो कल पूरा देश बनाएगा क्योंकि कल हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे है. तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. और अच्छा लग रहा है जब आपको नॉर्मली ऐसा होता है कि हम मर्द आदमी औरत की इज्जत करते हैं लेकिन यहाँ जब उल्टा हो रहा है औरत आदमी की इज्जत कर रहा है. और यही सिलसिला दोनों एक दूसरे की इज्जत हमेशा करते रहे दोनों और चलता रहे सिलसिला बस यही ऊपर वाले से दुआ है. उनके लिए बस यही कहूँगा कि सब एकदम ईमानदारी से रहे और मिले ना मिले ये अलग बात है लेकिन आपने पार्टिसिपेंट रहा ये बहुत बड़ी बात है. और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े मूव ऑन करें फिर चाहे अवार्ड मिले या ना मिले वो मायने नहीं रखता. मुझे बहुत खुशी है सुष्मिता का पहला शो है ये और बहुत परफेक्शन और बहुत ही प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट हुआ है. रियली प्राउड ऑफ हर. ब्लिसफुल इंडिया के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उनका सोशल कॉजेस के लिए वो खड़ी हैं सुष्मिता झा और उनके सारे इनिशिएटिव्स आई रियली अप्रिशिएट. क्योंकि मेरे फेवरेट सिंगर फेवरेट एक्टर आए थे इधर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. क्योंकि आप बताएंगे कि आपने बहुत ही अच्छा ड्रेसअप किया है तो ड्रेसअप के बारे में बताइए कितना.
टाइम नहीं लगा, मैं पुणे से आई हूँ एंड मैं मराठी एक्ट्रेस हूँ। मुझे मिस एशिया अवार्ड मिला है और मुझे ऐसा लगा कि ट्रेडिशनल पहनने अच्छा होगा क्योंकि थोड़ा सा लुक चेंज होगा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं ट्रेडिशनल एक्ट्रेस हूँ, मराठी एक्ट्रेस हूँ, तो साड़ी में रहूँगी। बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है? बॉलीवुड में ऐसे या मराठी में कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है जिसका काम आपको बहुत पसंद है? मुझे मुग्धा गोडसे, मराठी एक्ट्रेस है वो, मुझे उनका मतलब उनकी जो लाइफ थी, उनने कैसे स्ट्रगल किया, मुझे बहुत पसंद आया। एक डायलॉग हो जाए मुझे नहीं पता, पर मेरे पास एक और एक डायलॉग है कि वो मराठी में बोला तो जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करून जाने, जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करून जाने, काळाच्या ओघावरती हे नाव करून जाने। ही ओंज तेजकणांची सूर्याचे अद्भुत देणे, ही ओंज तेजकणांची सूर्याचे अद्भुत देणे, कण आपला वेचिन त्यातून ते जाणे दिपून जाणे। माय मोटिवेशन दॅट आय हॅव गॉट, आय एम अ फिलॅन्थ्रॉपिस्ट, आय एम अकॅडमिक स्कॉलर अँड आय एम अ रायटर, सो फॉर मी टू टॉक अँड मोटिवेट द पीपल इज लाईक मोटिवेटिंग थ्रू माय वर्ड्स अँड थ्रू माय writing my articles. But however, to motivate everybody in this world is very important. I would say in this pandemic, world is upside down. And how we can turn it back around? It's in our hands. And I think by doing that, we are not motivating ourselves, but we are motivating others in the society. So for me to motivate others is by helping others and supporting whatever they need in the philanthropic work and humanitarian work. Thank you so much. टू ग्लोबल से फ्रेंचाइज कंसेप्ट से, और सैलेश भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया है। और ये अवार्ड रियल में तो सैलेश भाई हकदार है क्योंकि उन्होंने जो मैनेजमेंट किया है बहुत अच्छा किया है, सबको बुलाया है, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे आज अवार्ड मिला है, थैंक यू सो मच टू ब्लिसफुल इंडिया, उनकी पूरी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत करी है और हमें अवार्ड दिया है। जब हमें ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें प्रोत्साहन दिया जाता है और इसको देख के ऐसे लगता है हम आगे और भी कुछ नेक काम करें। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आज ये अवार्ड